Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Sufyan and I am a physics teacher. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 8, सेकंड ईयर क्लास है हमारे पास और टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बच्चों दो वर्ड इसमें हैं, ये कंपोज है दो वर्ड से, एक इलेक्ट्रो एक है मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटो मीन मैग्नेटिक। ऐसी वेव्स जिसके पास दोनों फील्ड्स हों उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह सकते हैं। और इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है, द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। व्हाट इज मटेरियल मीडियम, जैसे कि हवा एक मीडियम है और ये मटेरियल मीडियम है, जैसे वाटर है वो एक मटेरियल मीडियम है, ऐसी वेव्स जिन्हें कोई मीडियम रिक्वायर ना हो, कौन सा मीडियम, मटेरियल मीडियम, तो उन वेव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऐसी वेव्स जिन्हें कोई मटेरियल मीडियम रिक्वायर ना हो प्रोपोगेशन करने के लिए उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इट कंसिस्ट ऑफ वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन वेव्स के अंदर वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है और ये मूव करती हैं विद स्पीड ऑफ लाइट, और इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में 90 एंगल पर होती हैं और उनकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो भी 90 एंगल पर होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि अलोंग वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग एंड अलोंग जी एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग, और जो वेव की डायरेक्शन है या डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस। अब जो प्रोपोगेशन ऑफ वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। दीज वेव्स आर पीरियोडिक वेव्स, हेंस दे हैव वेवलेंथ विच इज गिवन बाय, इनकी जो वेवलेंथ लैम्डा है, यहाँ पर लैम्डा लिख सकते हैं आप, C become equal to F lambda, C की वैल्यू फिक्स होती है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता चल जाए तो आप इन वेव्स की क्या फाइंड कर सकते हैं, वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो वेयर C एंड F आर स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी, C स्पीड ऑफ लाइट है या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और F हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज C become equal to F lambda। नेक्स्ट हम सीखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्लासिफिकेशन क्या है और किन बेसिस पर है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करती है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो इनकी बेस पर, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बेस पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट, एरे एंड एटसेट्रा। ये हमारे पास एक स्पेक्ट्रम दिखाया गया है बच्चों, ये हमारे पास है रेडियो वेव्स, इसके अंदर ये कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, कुछ पोर्शंस आ रहे हैं, इसके बाद हमारे पास है इंफ्रारेड वेव्स, और इसके बाद हमारे पास ये स्पेक्ट्रम है विजिबल जो हमें नजर आता है, इसके बाद रहा यूवी जिसे हम अल्ट्रावायलेट कहते हैं, उसके बाद एक्स रेज रीजन आता है, उसके बाद गामा रेज रीजन आता है। अब आप अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो मीन के रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ जाएं तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होती है, और फ्रीक्वेंसी आपको पता है एनर्जी के साथ डायरेक्टली लिंक होती है। अगर हमारे पास रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो इट मीन उनकी एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ जाएं मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो हमारे पास बेसिकली हमारे पास वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। आप देखें यहाँ पर वेवलेंथ कितनी है हमारे पास, 10^5, 10^4, 10^2, 10^6, 10^-2, -4 एंड सो ऑन। अगर आप रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी। ये हमारे पास कुछ ट्रेंड था। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों मैक्सवेल इक्वेशंस। मैक्सवेल इक्वेशंस क्या है, इन 1864 James Clerk Maxwell formulated a set of equation known as Maxwell equation which explained the various electromagnetic phenomena.
1864 के अंदर मैक्सवेल ने एक इक्वेशन का सेट बनाया, और वो सेट जो था ना इक्वेशंस का, वो एक्सप्लेन कर रहा था डिफरेंट फिनोमेनाज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो अकॉर्डिंग टू दीज इक्वेशन, यहाँ पर मैंने इक्वेशंस मेंशन तो नहीं की हुई, वरना लिख सकते हैं चार इक्वेशंस हैं बेसिकली। अकॉर्डिंग टू दीज इक्वेशंस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। तो इट मीन एक फील्ड दूसरी फील्ड को जनरेट कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। ये हमारे पास एक रीजन है बच्चों। सपोज करें कि बी से ए या ए से बी रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। इस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब किसी रीजन से गुजरती हैं तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाता है। तो जब सी और डी रीजन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट होगा तो उसके गिर्द एक और रीजन बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से एक फील्ड दूसरी फील्ड को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी या प्रोपेल करेगी, तो ये यूनिवर्स में यूं फैलती जाएंगी। तो ए बी रीजन से स्टार्ट होकर ये इनफिनाइट डिस्टेंस तक जाएंगी, और एक फील्ड दूसरी फील्ड को सपोर्ट करेगी, और जब एक फील्ड दूसरी फील्ड को सपोर्ट करेगी तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेज। तो ये वही बात लिखी हुई है। उसके बाद बच्चों, दस ईच फील्ड विल जनरेट द अदर एंड द होल पैकेज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स विल मूव अलोंग प्रोपेलिंग इटसेल्फ थ्रू स्पेस। ये जो पैराग्राफ है बच्चों, मैंने बताया है कि ए और बी रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स है, और उसकी वजह से सी और डी में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, फिर उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड, सो ऑन। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर दे जाएगी। तो ये बन जाएंगे विल मूव अलोंग प्रोपेलिंग इटसेल्फ थ्रू स्पेस। तो ये स्पेस में आहिस्ता आहिस्ता मूव करना स्टार्ट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप चैट बॉक्स में या आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स।